Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं चाहती तू ज्यादा से ज्यादा आयजा के पास बैठा कर। मैं उसी के पास बैठी थी अम्मी जान, अभी उसके आई हूँ। मैं तेरे ऊपर एतमाद कर सकती हूँ क्या? आपको अपनी बेटी पे एतमाद नहीं रहा अम्मी जान? मेरी दी, अब ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुझे तो पता है ना आयजा किन मुश्किलों से गुजर रही है। उसके सामने भी कोई बात ना कर दे। आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, मैं कुछ नहीं कहूंगी अम्मी जान। दरअसल तेरा प्यो और बी जान बहुत परेशान हो रहे थे कि कहीं बातों बातों में तेरी जबान से कोई बात फिसल ना जाए। आप मुझ पे भरोसा रखें अम्मी जान, मैं कुछ नहीं कहूंगी। दिल आवेद और राशिदा आएंगी तो तू ना आयजा के पास ही बैठी रही। जी अम्मी जान, मैंने खबर है राशिदा आंटी बहुत चलाक हो रहे थे, वो इस घर की टू में लगी रहती है। बस तू आयजा के पास ही बैठी रही, मुझे पता है कि तू सब बातें कंट्रोल कर लेगी। मेरी तरफ से आप इत्मीनान रखें, जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। चल ठीक है, तू आयजा के पास जाकर बैठ, मैं बी जान के पास जाती हूँ। जी अम्मी जान, मैं थोड़ी देर में जाती हूँ, आप चले। अय मेरी धीरानी। वो बीजान, मेरे जहन में एक बात आई। बोल जान। आयशा की शादी को दो ही दिन हुए थे और मीरान शहबाज दोनों का आयशा से गहरा ताल्लुक था। अरबाज साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? मैं कहना चाहता हूँ मिजान के, जब मीरान और शहबाजी नहीं रहे तो आयजा की इद्दत के बाद खामोशी के साथ उसकी शादी करवा दी जाए। कहता तो तू बिल्कुल ठीक है, आगे हमने ऐसा ही करना है। मिजान, अगर आयजा राजी ना होगी तो फिर पूरी जिंदगी पड़ी है उसकी, अभी उसकी उम्र ही क्या है, किसी नु दसन दी जरूरत ही नहीं है। उसकी इद्दत खत्म होने का इंतजार करो, फिर देखते हैं क्या करना है। वो आयशा मेरे ऊपर बेहोश हो गई है। वट वट पर हट, मैं देखता हूँ। शाजमा, तुझे पता है मैंने बाहर क्या देखा? क्या देखा? वो फिर से आयजा बीबी को अस्पताल लेके जा रहे। अरे अब नहीं क्या हो गया उसको? लगता है बेचारी की ना फिर से तबीयत खराब हो गई है। इसका मतलब है बड़ी बीबी ने ना सही पाबंदी लगा रखी थी उस पे। अब तो अल्लाह ही रहम करे उनकी तबीयत पे। वैसे तू सही कह रही है, बेचारी जब से यहाँ आई है ना कोई मुसीबत उसकी ताक में रहती है। वैसे शाजमा, तूने एक बात नोट की, इस घर में एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। मुझे तो लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। हाँ है, क्या कह रही है सकीना? कौन करवाएगा और क्यों करवाएगा? हो सकता है किसी ने जादू टोना करवा दिया हो। नहीं नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि कोई ऐसा इतना बड़ा काम करेगा। किसी का ना कुछ पता नहीं होता। चल छोड़, ये बता फातिमा बीबी कहाँ है? मुझे क्या पता, अपने कमरे में होंगी या फिर बीजान के पास होंगी। क्यों पूछ रही है तू? वैसे ही पूछ रही थी, वैसे ना बहुत ज्यादती होती है उनके साथ।
कुछ भी अच्छा नहीं होता। देख सकी ना, वैसे ना इस घर में तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता, सारे के सारे दरबदर और बेहाल हैं, कोई भी ना इस घर में खुश नहीं है। बस अल्लाह ही रहम करे अब तो। हाँ शाजमा, तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, अब तो अल्लाह ही रहम करे इनके हालात पे। चल तेरी मदद करती हूँ। हाँ हाँ ले कार्ड। बड़ी देर हो गई है, अभी तक आए नहीं। अल्लाह खैर करे बीजान। बस आयजा ठीक ही हो। फातिमा, तुझे नींद आ रही होगी, जा जाके सो जा अपने कमरे में। नहीं बीजान, नींद नहीं आ रही, मैं यहीं आपके पास ही बैठूंगी। तू थक गई होगी तो ये जा जाके आराम कर ले। नहीं बीजान, मैं ठीक हूँ। चल ठीक है, बैठी रहे। डॉक्टर साहिबा, खैरियत दी ते बात है ना, कोई परेशानी दी ते गल नहीं। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? क्यों डॉक्टर साहिब? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली इनके हस्बैंड को पहले बताना चाह रही थी। सिकी दसना चाहते हो? आयजा माँ बनने वाली है। अम्मा चले ना घर से होके आते हैं। ना दिलावेज, अभी तू इद्दत में और उम्मीद से भी है। अब बात सुन, तूने इद्दत के सारे दिन इसी घर में पूरे करने। ले फोन आ गया। किसका है? शाजमा का। और किसका? हाँ बोल शाजमा। राजदा बीबी, वो मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। हाँ बता, क्या बात है? वो राजदा बीबी, कल रात को ना आयजा बीबी की तबीयत खराब हो गई थी। आयजा की तबीयत खराब हो गई थी फिर? और बड़े साहब ना उनको अस्पताल भी लेके गए थे। ना तू मुझे अब ये बात अब बता रही है? असल में आयजा बीबी, वो ना रात बहुत हो गई थी, इसलिए ना मैंने आपको कॉल करना जरूरी नहीं समझा। अच्छा चल ठीक है, ये बता आयजा अब घर पे है? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन बड़ी बीबी कह रही थी कि उन्होंने ना अपने बाप के मरने का सदमा दिमाग पे ले लिया। वैसे हुआ क्या था आयजा को? वैसे राजदा बीबी एक बात कहूँ, इस घर में ना एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। मुझे तो लगता है कि मुसीबतों ने ना बीजान का घर ही देख लिया है। चल अच्छा, तू अब फोन रख और जो भी बात हो मुझे फौरन बता। हाँ राजदा बीबी, ये तो आप सही कह रही हैं। अच्छा अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। तू क्यों रुक गई? आम तो खत्म कर, कब से खा रही है? एक फांक खाई है अभी तक। ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है बीजान। वो कुछ नहीं होगा अरबाज, मैंने शनाज से कहा है जाकर आयजा से बात करे। बीजान ये इद्दत वाली बात तो छुपाई जा सकती है, लेकिन ये मां बनने वाली बात जो है ज्यादा से नहीं छुपाई जा सकती। इसका मतलब है कि ये मसला हमें वक्त से पहले ही हल करना होगा। और अगर उसने बात मानने से इनकार कर दिया बीजान,
تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ہمارے لیے. اب خاندان کی عزت آئزہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا مجھے تو یہ بتا کہ فاطمہ کو تو نہیں پتا اس بات کا؟ نہیں بی جان, فاطمہ کو اس بات کا بالکل بھی پتا نہیں ہے. اسے اس بات کا پتا لگنا بھی نہیں چاہیے. ہم جب تک چھپا سکتے ہیں چھپائیں گے بی جان اس بات کو, لیکن ایک وقت تک یہ بات چھپ سکتی ہے. اگر آئزہ نے شہناز کی بات نہیں مانی میں بات کروں گی اس سے. میرا خیال ہے بی جان کہ پہلے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی. اگر شہناز نے پہلے بات کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ارباز تجھے خود بھی تو سمجھانا چاہیے تھا آئزہ کو. میں نے راستے میں سمجھایا تھا بی جان آئزہ کو. آئزہ پتر کی حال ہے؟ ٹھیک ہوں. پتر موقع تے نہیں ہے مگر ایک گل کرنی بڑی ضروری ہے تیرے نال. تیرے ویاہ دا تے تیرے ماں بنن دا کسی نو نہیں پتا. آپ کو تو پتا ہے. میں نو ملک صاحب نو تے صرف بی جان نو پتا ہے. چچی جان آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پتر اے صرف میرا ہی نہیں سب دا فیصلہ ہے کہ تو اس بچے نو گرا دے. نے کتنی آسانی سے کہہ دی ہے یہ بات. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی. پتر ہونے دن ہی کتنے ہوئے نے؟ جتنے بھی دن ہوئے ہو آپ ماں ہوتے ہوئے یہ بات کر رہی ہیں؟ آئزہ پتر تو سمجھ نہیں رہی ہیں, پھر تیرے نال کوئی ویاہ نہیں کرے گا. تو نہ کرے کوئی ویاہ. آپ لوگوں نے شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پتر گل نو سمجھ, جذبات تو زیادہ عقل نال کم لے. میں سب کچھ سمجھ رہی ہوں چچی جان, اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرے مجھے. ایدا مطلب ہے تو ساڑی گل نہیں مانیں گی؟ یہ بات تو آپ کی ہرگز نہیں مانوں گی. صحیح ہے, پھر میں بی جان نال گل کرنی ہے. میران بھائی, تو کیا منہ اٹھا کے آ گئی ہے؟ چل جا. میران بھائی, میری اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے مجھے. آپ مجھے معاف کر دیں. تیرا فیصلہ بی جان نے کیا اور ان کا فیصلہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے. میران بھائی, اگر آپ کچھ بھی کہیں گے ان کو تو وہ آپ کی بات مان لیں گی. آپ ہاں مجھے معاف کر دو. اوے میں معاف کر بھی دوں تو کچھ نہیں ہو سکتا, پر ایک بات کان کھول کے سن لے تو. میرے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے. بس میران بھائی, وہ آئزہ کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ سارا قصور میرا ہے. میں نے اس کو مجبور کیا تھا اور ذیشان کا.
उसका नाम मत ले मेरे सामने। मेहरान भाई बस ये सब मुमकिन नहीं है और इस सब के लिए फिर मेरे मरने का इंतजार कर, समझ आइए, चल जाए यहां से। अम्मा क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मीरान का होने वाला बच्चा लड़का हुआ तो तुझे तो इस खानदान में बहुत इज्जत और मर्तबा मिल जाएगा, और अगर लड़की हुई तो फिर तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला, मुझे तो तेरा मुस्तकबिल ही तारीख होता नजर आ रहा है। अम्मा आप भी ना कुछ भी सोच लेती हैं। ना बात सुन, मैं इस खानदान की ना रग रग से वाकिफ हूँ, और वैसे भी मेरा तो ख्वाब था इस खानदान पे राज करने का, और अब वो जरूर पूरा होगा। अम्मा मलिक खानदान के लोगों की जिंदगियों की तरह हमारे ख्वाब भी अधूरे हैं ना, अब वक्त आ गया अपने ख्वाबों को पूरा करने का। वो कैसे? पगली, मीरान का होने वाला बच्चा